यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए। कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 का टेस्ट नंबर 5। इससे पहले 4 टेस्ट हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 1 का आपका टेस्ट नंबर 5। तो इसके अंदर 25 क्वेश्चन जो है मैंने आपको दिए थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको कर लिया होगा और अब आप उसको मैच करके देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और बाद में आप जो है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा वो। ओके, हाँ जी, चलो जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है इसके अंदर वो है ये, बोलता है कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है वो क्या होता है बेसिकली? देखो, कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है उसका यूज़ किया जाता है, ये बेसिकली एक टूल होता है असेसमेंट करने का, ठीक है ना। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, लिंकेज का काम करते हैं। तो बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग इज यूज, उसको इस्तेमाल करते हैं टू ऑर्गेनाइज करने के लिए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इन ए विजुअल मैनर। जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उनको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरीके से, कैसे, विजुअल मैनर में। इस इट डेमोन्स्ट्रेट हियरार्कल रिलेशनशिप, इसमें जो है एक रिलेशनशिप को क्या, जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या शो किया जाता है, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है अमंग द टॉपिक, मेन आइडिया एंड द सपोर्टिंग डिटेल और पर्टिनेंट कोर्स मटेरियल। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है उसको यूज किया जाता है किस चीज के लिए? देखो, कॉन्सेप्ट मैपिंग बेसिकली एक टेक्निक है जिसके अंदर हम चीजों को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं एक सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि कॉन्सेप्ट मैपिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, लिंकेज के अंदर चीज़ों को जो है वो एक फॉर्मेट के अंदर या फिर एक सीक्वेंस में या एक सीरीज के अंदर जो है अरेंज करते हैं, जिससे जो है लर्निंग आपकी क्या हो जाएगी, थोड़ा इजी हो जाए। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग को यूज़ किया जाए दो पर्पस के लिए, एक तो इसका पर्पस होता है क्या, लर्निंग सीखने के लिए, और दूसरा जो है वो क्या, ये असेसमेंट टूल के तौर पे भी काम करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीज़ों को अरेंज कर दिया जाएगा या उनको शफल कर दिया जाएगा और बाद में बोलते हैं कि इनको क्या करके दिखाओ, अरेंज करके दिखाओ। तो दोनों तरीके, दोनों चीज़ों के लिए आप लोग जो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो क्या करते हैं, इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो आंसर जो है वो क्या, कॉन्सेप्ट मैपिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए, दोनों, एज फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट टूल। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, किस टेक्निक में टीचर जो है वो प्रोवाइड करेगा सेट ऑफ फ्लेक्सिबल क्वेश्चन, सेट ऑफ फ्लेक्सिबल क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा किसको, स्टूडेंट्स को, दैट प्रॉम्प्ट देम टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग, जिसको बच्चे जो है वो क्या करेंगे अपनी लर्निंग के अंदर क्या करेंगे, उस चीज को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, ये टेक्निक है जिसके अंदर टीचर जो है वो क्या करेगा, कुछ फ्लेक्सिबल क्वेश्चन देगा स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट उसको अपनी लर्निंग के अंदर क्या करेगा, इनबिल्ड कर लेगा। इसको बोलता है रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट। क्या बोलता है, रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट, कि प्रॉम्प्टली जो है आपने उस कॉन्सेप्ट को जो है अपने बिहेवियर के अंदर जो है वो क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट, विच थ्योरी ऑफ द लर्निंग हैज फाउंड दैट नॉलेज ऑफ द इंटरनल प्रोसेस इज क्रूशियल, नॉलेज जो है वो क्या है, क्रूशियल है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्निंग, कि नॉलेज बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट। तो नॉलेज जो है, देखो हम लोगों ने डोमेन पढ़े थे, ठीक है, हम लोगों ने जो है कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा, हम लोगों ने अफेक्टिव पढ़ा, साइकोमोटर पढ़ा, ठीक है। तो नॉलेज को एनहांसमेंट करने के लिए कौन सी थ्योरी आपकी काम करती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉग्निटिव। तो बोलते हैं विच थ्योरी, कौन सी ऐसी थ्योरी है लर्निंग की, हैज फाउंड डैट, जो ये जहाँ पे पाया गया कि नॉलेज जो है इज ऑफ इंटरनल प्रोसेस इज क्रूशियल, नॉलेज जो है वो क्या है, क्रूशियल है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्निंग, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉग्निटिव थ्योरी। आगे बढ़ो, बोलता है कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो वो नॉलेज एप्लीकेशन वाले काम, नॉलेज हो गया ना। तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हम लोग जो है बेसिकली क्या करते हैं, हाउ टू गेट द नॉलेज, नॉलेज गेट करने का काम करते हैं। तो बोलता है कॉग्निटिव डोमेन जो है वो रिलेटेड है टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर जो है एक स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को बिल्ड किया जाता है, डेट फंक्शन एट डिफरेंट लेवल, जो अलग अलग लेवल पर काम करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल इन, इसमें से किस लेवल पे, इज अबाउट मेकिंग यूज, जब एक स्टूडेंट जो है वो क्या प्रीवियस लर्न मटेरियल को जो है वो क्या करता है, यूज करता है इन द न्यू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द ब्लूम क्लासिफिकेशन ऑफ द टीचिंग एंड द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या होता है, टीचर ने कोई बात सिखाई, बच्चे ने वो बात सीखी, बच्चे का जो है वो एप्लीकेशन, बच्चे का जो बेसिकली इंटेलेक्चुअल लेवल है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब बोल रहा है कौन से लेवल पे, किस लेवल पे बच्चा जो है वो क्या करेगा, प्रीवियसली लर्न मटेरियल को जो है वो क्या करता है, यूज करता है, डेट मीन्स द एप्लीकेशन करना, जो चीज़ आपने पहले सीखी हुई है उसको क्या करना, अप्लाई करना। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आप बेसिकली नॉलेज को क्या करते हो, गेट करते हो, और एप्लीकेशन स्टेज के ऊपर आप उस नॉलेज को जो है वो क्या करते हो, अप्लाई करने का काम करते हो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर, आपको टीचिंग प्रोसेस को ऑर्डर के अंदर लगाना है। सबसे पहले नंबर पे जो आया वो क्या, जब आप टीचिंग प्रोसेस करते हैं सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेट करने के बाद में फिर आप क्या करते हैं, आप रिलेट करते हैं बच्चों की प्रेजेंट नॉलेज को किससे, प्रीवियस नॉलेज से, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम पढ़ाएं तो पढ़ाते हुए जो है वो आपको क्या, कनेक्टिविटी के अंदर पढ़ाना चाहिए, लिंकेज के अंदर पढ़ाना चाहिए। अगर आइसोलेशन में टॉपिक को पढ़ाओगे तो बच्चे को ढंग से समझ नहीं आएगा। तो पहले आप उसको जो है बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से उसको क्या कर दो, रिलेट कर दो, ताकि बच्चे के माइंड में हाइपोथेसिस
क्रिएट हो जाए या फिर एक पिक्चर जो है वो क्रिएट हो जाए, फिर आप उसको पढ़ाना शुरू करें। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट करना है अपना मटेरियल, देन आप जो है बच्चों की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें एंड एट द एंड में रीटीचिंग। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बनती है वो है आपका 4-1-5-2-3। आगे बढ़िए, नेक्स्ट बोलता है, अब यहां पे एक क्वेश्चन है रिसर्च का, बोलता है व्हाई स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक। ओके, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी नीड टू लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन, जहां पे हम लोग जो रिलेशनशिप निकाल रहे हैं किसका, बिटवीन टू एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन डेट आर हाउ एंड व्हाई। जब हम ये ढूंढे कि कैसे, ठीक है, और क्यों, जब ये इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढे, मतलब आप लोग बेसिकली यहां पे क्या मांग रहे हैं, हाउ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। तो यहां पे बोलते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं बेसिकली, क्या मांग रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन के लिए बेसिकली जो है हम लोग क्या करते हैं, चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, उसके लिए जो हमारी रिसर्च काम करती है दैट इज नोन एज क्या, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब क्या होता है सर, सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर हम लोग, सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर हम लोग जो है एक एरिया, एक दायरा डिसाइड करते हैं जिसके अंदर हम बोलते हैं इस दायरे के अंदर हम लोग जो है वो सैंपल को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो सैम्पलिंग फ्रेम जो है बेसिकली इट इज अ लिस्ट, सैम्पलिंग फ्रेम इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच ए सैंपल विल बी सिलेक्टेड। तो सैम्पलिंग फ्रेम बेसिकली क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम बेसिकली एक लिस्ट होती है जिसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, सभी की सभी यूनिट जो है जिनसे हम, हमको डेटा इकट्ठा करना है उसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो सैंपलिंग, अगर हम बात करते हैं क्या सैंपलिंग फ्रेम, तो सैंपलिंग फ्रेम जो है वो क्या, इट इज अ लिस्ट है ऑफ ऑल द यूनिट इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में आने वाली उन सभी यूनिट्स की जो है, जो भी पॉपुलेशन के अंदर जो भी आपके सैंपल यूनिट है वो, उन सबको हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं जहां से अपने को सैंपल जो है वो क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, सी। थोड़ा ध्यान रखना कि सैंपलिंग फ्रेम अगर आ जाए तो फ्रेम का मतलब समझ जाना कि फ्रेम के मतलब, फ्रेम का मतलब क्या है। तो फ्रेम के अंदर हम क्या करेंगे, जितनी भी यूनिट्स है जहां से अपने को डेटा कलेक्शन करना है वो सब आपके सैंपलिंग फ्रेम के अंदर आते हैं। चलो जी आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया, थ्रू विच रिसर्च मेथड, किस रिसर्च मेथड की हेल्प से द मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन जो आप करते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें मैनिपुलेशन करना, मैनिपुलेशन का मतलब बेसिकली यहां पे क्या, चेंज करेंगे किसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, एंड इट्स इफेक्ट चेक करेंगे किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल इज एग्जामिन विद रेफरेंस टू द हाइपोथेसिस अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम बेसिकली जो है वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो आपने चेंज किया इसका इंपैक्ट, इसका इंपैक्ट चेक करते हैं ऑन द किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और बाकी जो, बाकी के जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको आप कॉन्स्टेंट मानते हैं, उनको आप क्या करते हैं, स्टेबल कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो आंसर जो बनेगा एट्थ का वो क्या, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आगे बोलता है, अब एक टॉपिक नया आया, ए शिफ्ट इन द रिस्पांस एटीट्यूड इन रिस्पोंडेंट बिटवीन टू पॉइंट ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, ये होता है एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं ना रिग्रेशन फेलोसी भी बोलते हैं इसको। तो मैं एक बार पढ़ा देता हूं, देखो क्या होता है, जब पहले क्वेश्चन एक बार समझ लो आप, शिफ्ट कर जाना, शिफ्ट का मतलब पहले कुछ बोला और अब कुछ और बोल दिया, तो क्या बोलते हैं, ए शिफ्ट इन द रिस्पांस, शिफ्ट कर दिया हमने किसमें, रिस्पांस में, पहले कुछ और था अब कुछ और, तो शिफ्टिंग कर दिया इन द रिस्पांस एटीट्यूड इन रिस्पोंडेंट बिटवीन टू पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे आते आते ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन, मतलब स्टार्टिंग में जब डेटा कलेक्ट किया तो कुछ और था, बाद में डेटा कलेक्ट किया तो कुछ और है, मतलब रिस्पांस जो पहले था वो मान लो एक्स रिस्पांस था और अब जो रिस्पांस है वो क्या है, वाई रिस्पांस है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिग्रेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, रिग्रेशन इफेक्ट। अब मैंने यहां पे लिखा कुछ, रिग्रेशन इफेक्ट या रिग्रेशन इफेक्ट जो फैलेसी जो है वो क्या होता है, इन वर्चुअली ऑल टेस्ट रीटेस्ट सिचुएशन, जब भी हम जो है वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं रीटेस्ट सिचुएशन के अंदर, द बॉटम ग्रुप, जो नीचे वाला ग्रुप है, ऑन द फर्स्ट टेस्ट विल एवरेज शो, तो पहले उसने क्या किया, एवरेज शो सम इंप्रूवमेंट ऑन द सेकंड टेस्ट, मतलब द बॉटम अप्रोच, द बॉटम ग्रुप ऑन द फर्स्ट टेस्ट विल ऑन एवरेज शो सम इंप्रूवमेंट इन द सेकेंड टेस्ट। तो पहले जो है वो क्या था, एवरेज था, और बाद में उसने क्या किया, इंप्रूव किया। ओके, मतलब पहले जो उसकी सिचुएशन थी वो कुछ और थी और बाद में उसकी सिचुएशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। एंड द टॉप ग्रुप विल ऑन द एवरेज फॉल बैक, और जो टॉप ग्रुप था वो क्या हो गया, वो डाउन हो गया। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, रिग्रेशन। मोटा मोटी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप डेटा कलेक्शन का काम करते हैं तो किसी पर्सन से जब आप डेटा इकट्ठा कर रहे थे उस टाइम पर आपने स्टार्टिंग के अंदर जो है वो उससे जब डेटा कलेक्शन किया तो उस टाइम पे उसके रिस्पॉन्स कुछ और थे और बाद में उसका रिस्पॉन्स कुछ हो रहा है, दैट इज नोन एज अ रिग्रेशन इफेक्ट, या इसको रिग्रेशन फेलेसी भी बोलते हैं। चलो जी आगे,
कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं किसको, ऑफ द किसको, आइडिया को। सर हम जो है कम्युनिकेशन में ट्रांसफर करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग को, किसको, मीनिंग को, क्योंकि मीनिंग ही हम सिखाना चाहते हैं, मीनिंग ही हम दूसरों को जो है वो बताना चाहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज अ कॉन्टेक्स्ट, किसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब जो है वो क्या होता है, वो परिवेश जिसके अंदर बेसिकली कम्युनिकेशन किया जाता है, वो एक एनवायरमेंट जिसके अंदर कम्युनिकेशन किया जाता है, वो सराउंडिंग्स, वो आपके आसपास का वातावरण जिसके अंदर आपका कम्युनिकेशन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ फिजिकल, ये क्या है, ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट है फॉर द कन्वर्सेशन, इट इज अ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट है किसका, फॉर कन्वर्सेशन। जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो उस टाइम पे जो आपका फिजिकल जो परिवेश होता है या आपका साइकोलॉजिकल जो परिवेश होता है, साइकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट होता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कॉन्टेक्स्ट। हमने छह तरह के कॉन्टेक्स्ट आपको वहां पे पढ़ाए थे, तो उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो कॉन्टेक्स्ट की अगर बात आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है ये एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है किसका, कन्वर्सेशन का। जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जब आप जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं या दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो उनके आसपास के जो फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कॉन्टेक्स्ट। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्लो, ये बर्लो है, बर्लो लिंगर मॉडल के अंदर क्या आता है, वैसे ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, ये SMCR, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। SMCR मतलब पहले सेंडर होगा, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। आगे, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, द एवरेज वेट ऑफ 8% इंक्रीज, 8 लोगों का जो एवरेज वेट था वो 2.5 किलो से जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ध्यान से समझिएगा, 8 लोग थे, उनका जो एवरेज वेट था वो 2.5 किलो से जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब 2.5 किलो से अगर वेट बढ़ गया, एवरेज कितने लोग थे, 8, और कितने से वेट बढ़ गया, 2.5 से वेट बढ़ गया। अब अगर 2.5 से वेट उनका बढ़ जाएगा तो मतलब टोटल कितना वेट इंक्रीज हुआ, टोटल वेट जो इंक्रीज हुआ वो हो गया कितना, 8 × 2.5 बोलते 20 किलो वेट जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। मैं दोबारा बोलता हूं आपको, एवरेज वेट जो था 8 लोगों का वो इंक्रीज हो गया, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कितने से, 2.5 किलो से वो क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब उनका जो भी वेट होगा पहले तो 2.5 किलो से बढ़ गया, टोटल लोग कितने, 8 लोग है, और हर एक का कितना बढ़ा, 2.5 बढ़ा, तो टोटल वेट जो पूरे ग्रुप का कितना बढ़ गया, 2.5 किलो बढ़ गया। ठीक है जी, तो मतलब ये है 20 किलो हर एक बंदे का 2.5 किलो बढ़ा, तो टोटल मिला के 20 किलो वेट जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब बोलते हैं पर्सन वेटिंग 60 kg, अगर एक पर्सन जिसका वेट पहले 60 किलो था उसको आपने रिप्लेस कर दिया बाय न्यू पर्सन से, व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, तो आपको बताना नए पर्सन का वेट क्या होगा। पहले वाली सिचुएशन के अंदर, अब ध्यान से समझना, पहले वाली सिचुएशन के अंदर उनका जो भी वेट था, आई डोंट नो उनका जो क्या जो भी वेट था, ठीक है, तो उस या पहले वाली सिचुएशन के अंदर उनका जो है वो 60 किलो वेट था, क्या वेट था, 60, मतलब अगर हम ये मानते हैं एक पर्सन था उसका वेट कितना है, 60 किलो, उसको रिप्लेस किया ना, तो पहले एक एग्जांपल मानते हैं कि मान लो पहले कितना था, 60 किलो था, और अब अगर उसको जो है वो हम क्या करेंगे, 60 किलो वाले, अब यहां पे जो वेट है यहां आते आते जो है वो 2.5 किलो से सबका जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया है, क्या हो गया, 2.5 किलो से बढ़ गया, तो टोटल वेट यहां पे जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, वो बढ़ गया जी 20 किलो, कितना बढ़ गया, 20 किलो। तो अब नई सिचुएशन के अंदर जो है, अगर ये 60 किलो वाले बंदे को अगर मैं हटाऊंगा यहां से रिप्लेस करूंगा, तो यहां पे पैरिटी लाने के लिए मुझे कितने किलो का बंदा जो है बिठाना पड़ेगा, तो वो होगा कितना, 60 प्लस में 20 बोले तो 80 किलो, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा इसका, 80, क्योंकि अब दोबारा क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, बोलते एवरेज वेट जो था 8 लोगों का वो इंक्रीज हो गया 2.5 किलो से, जो एवरेज वेट है लोगों का वो इंक्रीज हो गया कितने से, 2.5 किलो, 8 लोगों का वेट 2.5 किलो से जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, तो टोटल जो इंक्रीमेंट हुई है, जो टोटल क्या हुई है, इंक्रीमेंट हुई है, मतलब यहां पे जो उनका वेट था यहां तक पहुंचते पहुंचते उनका 2.5 किलो पर पर्सन जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, और टोटल लोग कितने, 8 हैं, तो इसका मतलब टोटल जो बढ़ गया वो कितना बढ़ गया, 20 किलो यहां पर जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब बोलता है क्या, इफ ए पर्सन वेटिंग 60 kg, अगर एक बंदा जिसका वेट जो है वो क्या है, 60 किलो, उसको रिप्लेस कर दिया बाय ए न्यू पर्सन से, अगर उसका वेट पहले कितना था, 60 किलो था, उसको अब यहां पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो आपको बताना है क्या कि व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, तो नए पर्सन का जो वेट है वो कितना होना चाहिए। अब ये देखो, पहले ये था, ये 20 किलो आपका वेट आ गया, ये आपका टोटल इंक्रीज हुआ है, हाँ जी, यहां 60 किलो वाले पर्सन को अगर मैं यहां से क्या करूंगा, हटाऊंगा, तो इधर जो है तो उसको रिप्लेस कितने किलो के पर्सन से करेंगे। सर ओरिजिनल सिचुएशन मान लो अगर सबका वेट जो है वो 60 किलो था, मान लीजिए सबका वेट जो है वो 60 किलो था, ठीक है, और सबका एवरेजली बढ़ कितना गया था, 2.5 किलो से बढ़ गया, बोले तो 20 किलो से उनका वेट जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया था, ठीक है। अब अगर 60 किलो वाले बंदे को उठाएंगे तो यहां पे इक्वलाइजेशन करने के लिए जो है वो नए बंदा जो है उसका वेट क्या होगा, उसका 60 तो होगा होगा, प्लस में ये बढ़ा हुआ वेट बोले तो 20, तो ओवरऑल मिला के इसका वेट जो है वो कितना होना चाहिए, 80
केजी होना चाहिए। तो आंसर जो आएगा इसका वो कितना आएगा, सी। ओके हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक स्टेटमेंट दिया, एलआर का क्वेश्चन बोलता है इफ ऑल मैन आर मोर्टल, अगर सभी मैन जो है वो क्या है, मोर्टल है, ठीक है, नश्वर मतलब जो मर जाएंगे, एंड द रामा इज ए मैन, और रामा जो मैन है और रामा इज ए इज ऑल्सो मोर्टल, तो ये क्या है, यहां पे प्रीमाइस और कंक्लूजन दोनों के दोनों जो है वो क्या है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप इसका, पहली बात तो प्रीमाइस और ट्रू है और कंक्लूजन ट्रू है, अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, आप बोलते हैं ऑल मैन आर मोर्टल, तो ये जो है ये आपके क्या है, मैन है, और ये जो है वो क्या है, मोर्टल है, ठीक है। तो बोलता है रामा इज ए मैन, रामा मैन है तो अंदर आ गया आर, ठीक है, और बोलता है रामा इज मोर्टल, तो नेचुरल बात है रामा जो है वो क्या है, मोर्टल है, तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल क्या सही है। और दूसरा अगर मैं बात करता हूं इसके किसका, इसके प्रीमाइसिस का, तो प्रीमाइसिस जो है वो एक्चुअल में भी वैलिड है, जो बात बोल रहे वो भी तो सही है कि ऑल मैन आर मोर्टल, हाँ जी, तो यहां पर कोई भी किसी भी नेचर का कोई भी फैलेसी नहीं है, तो ये जो है वो क्या है, प्रीमाइसिस भी ट्रू है और जो कंक्लूजन है वो भी क्या है जी, इसका ट्रू है। तो मतलब यहां पे ना तो कोई फॉर्मल फैलेसी है और ना ही कोई आपकी इनफॉर्मल फैलेसी है, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, कि प्रीमाइसिस भी ट्रू है और आपका कंक्लूजन भी ट्रू है। ओके आगे बढ़िए, इफ नो पॉलिटिशियन इज डिसऑनेस्ट इज फॉल्स, अगर एक पॉइंट है नो पॉलिटिशियन इज डिसऑनेस्ट, नो ये वाली पॉइंट जो है, अगर नो वाला जो है इसको क्या मान लिया, नो वाले को क्या मान लिया, फॉल्स मान लिया, देन द स्टेटमेंट सम पॉलिटिशियन आर डिसऑनेस्ट शैल बी, तो सम नो को अगर क्या माने, फॉल्स माने, तो नो के यहां पे सम जो है इसको क्या मानेंगे, तो हमने जब आपको मैंने स्केयर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ाया तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्ट्राडिक्टरी, याद है, और कॉन्ट्राडिक्टरी के अंदर हम क्या बोलते हैं, अगर ये जो है वो क्या होता है, फॉल्स होता है, तो इसका ये वाला कोरस्पॉन्डिंग जो है वो हमेशा क्या मिलेगा, सर्टेनली ट्रू मिलेगा, अगर ये क्या होता है, फॉल्स होता है, तो इसका सामने वाला कोरस्पॉन्डिंग जो है हमेशा सर्टेनली क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो अगर नो जो है वो क्या है, फॉल्स है, तो सम की सिचुएशन जो है वो क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी, तो आंसर जो आएगा वो क्या, ट्रू। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, कितना हल्का क्वेश्चन आया हुआ है, देखो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बोलता है देवदत्ता इज ए फैट, देवदत्ता जो है वो क्या है, फैट है, देवदत्ता थोड़ा सा जो है फैटी है, एंड ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, और वो पूरा दिन नहीं खाता, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हमने इंप्लीकेशन ये निकाला कि नेचुरल बात है अगर पूरा दिन नहीं खाता तो रात को खाता होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलता है, अबव एग्जांपल इन द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक इज ए केस ऑफ, तो ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है किसका, इंप्लीकेशन का, जिसको बोलते हैं अर्थापति, क्या बोलते हैं, अर्थापति। तो ये मैंने आपको करवाया भी था एक बार। चलो जी आगे, विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल द ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, यूनिक्स, हाँ जी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी है, विंडो भी है, और ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ठीक है जी। तो चारों के चारों जो है वो क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर क्या आता है, उसमें आता है जी आपका 0 से 9 और ए से 5, हेक्साडेसिमल के अंदर टोटल मिला के 16 जो है वो डिजिट्स आते हैं, ओके, और 16 के अंदर बेसिकली जो वो क्या आएगा, ये 0 से लेके 9, ये तो कितने हो गए, 10 नंबर हो गए, तो 0 को भी काउंटिंग में लेके लाएंगे और 1 से लेके 9, तो 9 प्लस में 0 कितना हो गया, 10 हो गया टोटल, ठीक है। और उसके बाद 11 12 13 14 15 और ये 10 के बाद में 11 सॉरी 9 के बाद में ये 9 हो गया ना, तो 10 डिजिट तो ये हो गए, और 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, तो इनको आप क्या क्या मानेंगे, 9 के बाद जो 10 है ये होगा आपका 11वां, ये 12वां 13वां 14वां 15वां और 16वां। अब ये जो है ये आपके नंबर आ गए, अब इनको डिनोट करते हैं, मतलब 10 को हम डिनोट करते हैं किससे, ए से बी सी डी ई और एफ, ओके तो टोटल मिला के आपके जो हेक्साडेसिमल में आते हैं कितने, 16 नंबर, 16 में से 0 से लेके 9 तक 10 तो ये हो गए, उसके बाद 10 के बाद में फिर ये 11 12 13 14 15 16 ये जो है 6, इनको डिनोट करते हैं किससे, अल्फाबेट से, तो अल्फाबेट है क्या, ए से लेके एफ, तो टोटल मिला के जो आपके नंबर आते हैं इसके अंदर वो क्या है, 0 से लेके 9 और ए से लेकर के एफ, तो हेक्साडेसिमल जो आपका नंबर सिस्टम उसके अंदर ये सब आएगा। चलो जी आगे, बोलता है सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको डिजाइन किया गया क्या करने के लिए, टू हेल्प करने के लिए इन एनालाइजिंग मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगरिंग ऑप्टिमाइजिंग सेटिंग एंड मेंटेनिंग द कंप्यूटर, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये कौन सा होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए एंड ऑप्टिमाइजिंग सेटिंग करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आगे, हाउ एन ऑर्गेनिज्म सुटेड टू लिव इन ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, अगर मान लो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक सूक्ष्म जीव जंतु कुछ भी मान लीजिए है, ठीक है, अगर वो जो है वो रहता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, तो उसको क्या बोलते हैं कि उसने अपने उस एनवायरमेंट को जो है वो क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अडेप्शन, क्या बोलते हैं, अडेप्शन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ टाइगर स्टेट, किसको टाइगर स्टेट, ये भाई याद जरूर करके जाना, अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं इनका, ठीक है ना, तो टाइगर स्टेट जो बोला गया वो किसको बोला गया, मध्य प्रदेश को बोला गया, ठीक है जी। आगे, मैच द फॉलोइंग, ये कुछ नेशनल पार्क दे रखे और आपको बताएंगे किस किस स्टेट में है, तो ये परियार जो है वो है केरला में, ये
नंदनकनन जो है वो है उड़ीसा। अब ये ओडिशा बोलते हैं ना इसको, ठीक है, तो ये ओडिशा के अंदर है बेसिकली। वैसे तो अब चलो यहाँ पे उड़ीसा है तो यहाँ से आप इसको मैच करेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क तो राजस्थान के अंदर है अलवर में, और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व, सॉरी कॉर्बेट नेशनल पार्क तो उत्तराखंड में, और जो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये है कहाँ पे आपका, राजस्थान के अंदर। तो ये थोड़ा मैच द फॉलोइंग का है, ये आप देख के जाना कि कौन सा रिजर्व जो है वो कहाँ पे है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा ये। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट रिकॉग्नाइज द वेदास, तो कौन से, हमने पढ़े थे ऑर्थोडॉक्स और हेटरोडॉक्स, तो कौन से हैं जो वेदास को नहीं मानते, जिसको हम नास्तिक ग्रुप भी बोलते हैं, तो उसके अंदर आएंगे बुद्धिस्ट हो गया, जैनिस हो गया और मेटलिस्ट हो गया। तो ये सारे के सारे वो लोग हैं जो वेदास को नहीं मानते। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज टर्म्ड एज द मोस्ट सुटेबल, अब ये क्वेश्चन हो सकता है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है। मोस्ट सुटेबल किसके लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, एज पर द फोर्ब्स मैगजीन सबसे सुटेबल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वो कौन सी है, तो अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका संस्कृत। बच्चा यहां पे कंफ्यूज होकर इसको सीधा ये करेगा, या तो रोमन करेगा या फिर क्या करेगा, इंग्लिश करेगा, लेकिन आंसर जो है इसका वो क्या है, संस्कृत। तो मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज जो है किसके लिए, फॉर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसको रिपोर्ट किया गया एज पर द फोर्ब्स मैगजीन, और वो क्या है जी आपका, संस्कृत। आगे बढ़िए, इंडिया ने इन्वेंट किया नंबर सिस्टम, इंडिया ने इन्वेंट किया था नंबर सिस्टम, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द जीरो, तो जीरो को ये तो आपको मालूम भी होगा आर्यभट्ट, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं। ओके हाँ जी, लो जी ये हो गए अपने 25 क्वेश्चन। आपको करना क्या है, आपने जो 25 क्वेश्चन किए थे उसको मैच कीजिएगा और मैच करके देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही बैठते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।